अब्बास। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल में करते से ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। पी आई कोई भी नहीं खरीद रहा, पी आई पर बवाल बचा हुआ है, उसी के रिलेटेड लोग सारी वीडियो देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है कमर चीमा जी का और इसका टाइटल है नो वन वॉन्ट्स टू बाय पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन, एयर इंडिया गेटिंग इन टू प्रॉफिट, आर वी फूलिंग IMF। तो जी हाँ, PIA जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये लोग काफी टाइम से इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी और कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। पिछली बार भी डेट एक्सटेंड की गई, इस बार भी शायद कुछ गड़बड़ हुई है और इस बार भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा, कोई उस सफेद हाथी को लेने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, सब हर किसी को पता है यार कि उसमें पैसे लगाना मतलब अपने पैसे की बर्बादी है, ना वहां से कोई रिटर्न है ना कुछ है। चलिए देखते हैं कमर चीमा जी इस अचीवमेंट पर क्या बता रहे हैं। इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर से बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी है, ठीक है जी, कि हम वो खरीदने को तैयार नहीं है कोई। अब मिनिमम जो प्राइस रखी थी वो मेरे ख्याल $305 मिलियन रखी थी, ठीक है जी, और जो जो बिड आई है वो मेरे ख्याल $36 मिलियन की आई। कहां 305 मिलियन, कहां $36 मिलियन, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अभी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करना, एयर इंडिया को आप देखें प्रॉफिट में है इस वक्त, भाई साहब एयर इंडिया इस वक्त प्रॉफिट में है, उन्होंने अपने लॉसेस कम किए हैं, नॉट प्रॉफिट में भी बट लॉसेस कम किए हैं, अब वो कम बैक कर रहे हैं, रेपुटेशन बना रहे हैं। खैर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट की कि हम PIA को भेज दें, ठीक है जी, एक रियल स्टेट की एक कंपनी अदारा पाकिस्तान में ब्लू वर्ल्ड सिटी, मेरा ख्याल है उन्होंने भी कहा है कि हम ले लेते हैं, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं है, वो भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। $10 बिलियन की उन्होंने कहा, $10 बिलियन, यानी कि बाहर से पाकिस्तान में पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएंगे पाकिस्तान में, डॉलर कोई नहीं आएगा, अंदर ही अंदर हो जाएगा। और मुआहदा अब गाड़ी वो जहाज ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 अरब के मिसाल के तौर पे, तो मुझे ये बताएं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा, हमें क्या फायदा होगा भाई मुल्क का, कोई उसको $300 मिलियन की लेने को तैयार नहीं है यार। बहरहाल खैर वो एक लंबी स्टोरी है कि कितने जहाज हैं वो क्या है। अब क्वेश्चन ये है, मतलब इस वक्त मैं 60%, लेकिन एक ये सोचनी पड़ेगी कि $300 मिलियन में आप बेचना चाहते हैं और पाकिस्तान की कुल GDP जो है वो $400+ मिलियन की है, सॉरी $1 बिलियन की, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी मिलियन में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ओके ओके सॉरी, लॉस हो रहा है उसका। अब मैं जो देख रहा हूँ इसको कि जो एक रियल स्टेट डेवलपर बेचना चाह रहा है, ठीक है जी, और गवर्नमेंट की जो प्राइस है उसका उन्होंने 12% लगाया है, ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया मिनिमम सेल प्राइस $305 मिलियन उन्होंने रखी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने उन्होंने ये फैसला किया ये होनी चाहिए, और 10 अरब की बिड आई है, एक ही फर्म थी, बाकी जो आई थी वो भाग गई थी, आपको पता है 6-7 फर्में थी वो सब भाग गई। मुझे ये बताएं कि अब इसको कैसे चलाया जाएगा, कितनी बड़ी नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और ये हम आपको पता है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें IMF कहता है, क्योंकि हम IMF कह रहे हैं, और फिर हम वो कंडीशंस जो हमने लगाई हैं लोग भाग गए हैं वो कंडीशंस होंगे, उसको जो पोटेंशियल बायर था उसको कहा $500 बिलियन जमा कराओ, भाग गया। और दूसरा यह है कि जो उसको उसको ये कहा गया है कि तुमने इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट चलानी है, इतनी इंटरनेशनल रूट्स चलाने हैं, उसने कहा ये हमारे बारे नहीं खाता। सो ये जो जो पोटेंशियल बायर्स हैं जो नजर आ रहा है हमें, कि मुल्क के अंदर से कोई अदारा नहीं खरीदना चाहता क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशंस इतनी लगा दी, ठीक है जी, यहां तो गवर्नमेंट ने ऐसी कंडीशंस रखी हैं जानबूझ के कि IMF को भी डॉज करो
और कहो कि भाईजान ये चीज हम करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बंदा हमें वो दे ही नहीं रहा, कोई बंदा हमें दे ही नहीं रहा, कोई बंदा हमें ये दे ही नहीं रहा, ठीक है। सो हमें हम बेचना चाहते हैं लेकिन कोई हो ही नहीं रही, लोग परेशान हैरान, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो और वो फिर ये है कि आपने कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, कितने नहीं करने, लेकिन एक एक गवर्नमेंट लेवल पे एक होती तो है ना, ठीक है जी। और भी अदारे थे जो चाहते थे कि हम खरीदें, लेकिन सब भाग गए, इतनी टफ कंडीशन है। मेरे ख्याल पाकिस्तान IMF को गोली करवा रहा है कि भाई साहब हम ये बेचना चाह रहे हैं, देखो ना हम क्या करें और क्या ना करें, ठीक है जी। और फिर यह है कि जी हुकूमत हम बेच भी देंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो डिक्टेट भी करते हैं, ठीक है जी। और फिर गवर्नमेंट को पेमेंट जो करना है उसमें भी मसले मसाइल है, रहनी हो। ये हुकूमत कहती है कि हमसे 51% से लेके 100% तक स्टेक ले लें एयरलाइन में, लेकिन एक चीज़ याद रखें, गवर्नमेंट कहती है कि 500 से 700 मिलियन डॉलर भी लगाना होगा। सो 500 से 700 मिलियन भी डॉलर लगाना होगा, मतलब यार क्या बात है। एक वक्त था कि हम लोग जो थे वो हम लोगों ने एमिरेट्स खड़ी की है, और ये एमिरेट्स वाले मानते हैं कि मतलब UAE के ऐसे बुरे हालात थे कि पाकिस्तान जाके उनकी चीजें ठीक करता था, वो समझ गए और हम रह गए। तो कहिए कि नमाज वमाज पढ़ लें, दुआ वुआ कर दें, कलमा उलमा पढ़ लें, सब ठीक हो जाएगा। एक आम पाकिस्तानी तो यही कहता है सारी मुश्किलों का हल जो है नमाज पढ़िए, कलमा पढ़िए, दीन से करीब चले जाइए, सब कुछ सॉल्व है, सारी मुसीबतों का हल जो है वही है, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा, अब क्या करें इसका। दूसरी बात, वाकई ये कितने शर्म की बात है कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा। मैं तो कहूंगा इंडियन कंपनी से कि भैया तुम जाके खरीदो यार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हम सब इंडियन चंदा करके दे देंगे पैसा यार, पाकिस्तान एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस हमने खरीद ली, चंदा करके दे देंगे भाई, क्यों दोस्तों, क्या कहते हो, अच्छा आइडिया है कि नहीं। और उसको लिखेंगे एयर इंडिया इन पाकिस्तान, अखंड भारत एयरलाइंस करे तो मजाक की बात हो गई। लेकिन सीरियसली बीच में इन्होंने एक बार खबर उड़ा दी, पाकिस्तानी इतने बड़े चालबाज बनते हैं, इतने शातिर बनते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि यार बड़े लोग इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने खबर दिखा दी कि टर्किश एयरलाइंस जो है वो PIA को खरीदना चाहती है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं, टर्किश एयरलाइंस PIA को खरीदना चाहती, ऐसी खबर उड़ा दी। अब ऐसी खबर उड़ाई तो इससे क्या होगा, जो बाकी जो एयरलाइंस वाले होंगे या जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे कहेंगे यार मतलब बढ़िया माल है, खरीद लो इसमें पैसा लगा लो, टर्किश एयरलाइंस आ रही है खरीद। टर्किश एयरलाइंस का कुछ दिनों बाद बयान आया तो बोला गया पाकिस्तानी मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, और ये मिनिस्टर ने बोला था पाकिस्तान के, इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। टर्किश वाले ने बोला भैया ये सब फालतू की बात है, हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, हमने कोई खरीदारी का की बात नहीं की है। अब सोचिए पाकिस्तान के मिनिस्टर ने झूठ बोला सबको, इतने बड़े झूठे हैं यार आप लोग, आप सोच रहे हैं किस कदर शर्मनाक। और अब सारी पोल पट्टी खुल गई, कोई खरीदने को तैयार नहीं, मिनिमम बेस प्राइस रखिए $305 मिलियन, $30 मिलियन देने को भी तैयार नहीं। यह है औकात पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, और वो क्यों है आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए ना कि एक हम एयर इंडिया को देखें, ठीक है जी, इंडियन नेशनल एयरलाइन रही है बड़े आराम से, और उन्होंने, मैं देखा था जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला साहब है, उन्होंने बड़े क्लियर कहा, उन्होंने कहा कारोबार करना हुकूमत के काम नहीं, हम कारोबार नहीं करें। उन्होंने टाटा को दे दी, ये लो यार टाटा ग्रुप ने उसको खरीदा, ठीक है जी, और वो सारा चलाया। अब वो कह रहे हैं कि हम एक बड़ी क्लास एयरलाइन बनाएंगे, वो चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये एक एक, एक चीज तो है। मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे हम यहाँ तो सीरियस ही नहीं है या हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब टाटा ग्रुप फॉर एग्जांपल आया है, उन्होंने टेंस ऑफ बिलियंस लगाए हैं इसको ट्रांसफॉर्म करने में, 470 नए एयरक्राफ्ट भी लेके आ रहे हैं। हमारे लोगों का क्या है, जिस बंदे ने ये जो बंदा प्लान कर रहा है ना कि मैं ये एयरलाइन लूँगा, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उस वो बंदा लेना नहीं चाहता था, वो शडोल सा बंदा है एक, मतलब ये कि उसको ये है कि मैं बस ये भी बता दूं कि मेरे पास एयरलाइन है। उसने इतनी पब्लिसिटी ली है इस सारे चक्कर के अंदर, इतनी पब्लिसिटी ली है सारे चक्कर के अंदर, ठीक है, कि सारी की सारी दुनिया को पता चल गया भाई जान ये बंदे साहब भी हैं इस पाकिस्तान के अंदर, और बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी। अब यहाँ तो हो ना कि भाई आप एयरलाइन खरीद भी रहे हैं, चलो प्रॉफिट वाला नहीं है, हुकूमत कह रही है कि और जहाज़ भी डालो, चीज़ें भी करो, तुम एक सीरियस हो, तो हुकूमत बेसिकली दाई ला अंडी, ठीक है जी। अब एयर इंडिया ने एक कैपिटल इंटेंसिव 5 ईयर प्लान बनाया कि हमें कैसे अपनी पोटेंशियल, और यार मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, ट्रस्ट मी, द मोमेंट हम आते हैं, मैं जो मेरी डेस्टिनेशंस होती हैं, मैं वॉशिंगटन से आ रहा हूँ, इस्तंबुल से आ रहा हूँ, या लेट्स से यूरोप से आ रहा हूँ, यहाँ की मिडल ईस्ट में इधर उधर घूम रहा हूँ, जो जहाज़ दुबई से अबू धाबी से पाकिस्तान आते हैं ना, वो बड़े छोटे जहाज़ होते हैं, ज़रा मज़ा नहीं आ रहा होता, वो ऐसे ही जैसे हम डोमेस्टिक फ्लाइट कर रहे हैं, जैसे यहाँ से, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जो इस्लामाबाद से कराची या इस्लामाबाद से लाहौर जहाज़ आते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू जो जहाज़ दुबई से हमें यहाँ ले कर आते हैं या अबू धाबी से ले कर आते हैं, ठीक है। अबू धाबी की एयरलाइन तो ऐसे वो है, वो क्या इतिहाद जो है वो तो एक, मैं बिल्कुल नोबडी वांट्स टू सिट इन दैट, मैं तो कम अज़ कम उसको नहीं पसंद करता। खैर हर बंदी की अपनी चॉइस होती है, क्योंकि वो इतने गंदे छोटे जहाज लेके आते हैं, लोगों के लिए मसले मसाइल होते हैं, नॉट एवरीवन कैन यू नो सिट ऑन द बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास इज हेल ऑफ एन एक्सपेंसिव चीज़ है वो। सो हम जो लोग हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन हो रही है, 240 मिलियन की आबादी है, बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद डेली इस्लामाबाद से कराची जाती है, क्वेटा जाती है, मतलब इस तरह चलते हैं लोग, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वो एयरलाइन थी हमारे से, वो भी नहीं चली। अब प्राइवेट सेक्टर की जितनी यहाँ चल रही हैं, हमने जुल्म थोड़े किए हैं इस एयरलाइन के ऊपर, इसके ऊपर हमारे सियासतदानों ने इतने लोगों को जॉब्स दे दी, इतनी जॉब्स दे दी कि वो सारी की सारी भर्ती हो गए, फिर वो सारे के सारे पॉलिटिशियंस के लोग थे, उन्होंने तनख्वाहें ली, उन्होंने वोट दिए, तनख्वाह लेके वोट देते हैं। एक पॉलिटिशियन ने उनको भर्ती किसी को करा दिया तो उसने कहा जी कि हाँ जी आप बताएं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, एक प्लेन पर सैकड़ों कर्मचारी हैं पीआईए में, एक प्लेन ऑपरेट करने के लिए उनके पता नहीं 100 कुछ या पता नहीं कितने 200 कुछ एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहा, सैकड़ों कर्मचारी हैं, स्क्रीनशॉट में पढ़ लीजिएगा। आप सोचो ऐसे कोई करता है, मतलब लोगों ने मनमानी किए, लोगों ने पैसे बनाए हैं पीआईए से, पैसे लूटे हैं पीआईए से, और कौन चला रहा था पीआईए को, उसके बॉस कौन थे, शायद अभी भी हैं या जो भी हैं, फॉर्मर आर्मी का बंदा, फॉर्मर फौजी। आप सोचिए जरा, सिविल एविएशन में फौजी बंदा चला रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों आपके लिए तो फौज जो है वो नंबर वन है ना। अरे वो जोंक है, जोंक चिपके हुए हैं, खून चूस रहे हैं तुम्हारा फौजी तुम्हारे। फौज का काम है सरहदों की रक्षा करना, उनका पीआईए में क्या काम, उनका सुपारकों में क्या काम जो साइंस से रिलेटेड है, उनका यूनिवर्सिटीज में क्या काम, लेकिन हर जगह फौज का बंदा तैनात है, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो, क्यों, क्योंकि है तो वो फौजी। तो बात नेताओं की नहीं सुनेगा वो, तो अपने पुराने जनरल की सुनेगा या मौजूदा जनरल की सुनेगा, क्योंकि वंस ए फौजी ऑलवेज ए फौजी, और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि मलाई खाना तो फौज का काम है, बाकी आप लोग गटर में से निकाल के खाते रहो। को करा दिया तो उसने कहा जी कि हाँ जी आप बताएं, पॉलिटिशियन ने भर्ती करा दिया, उसने कहा जी आप हमारी मदद करें, हमें वोट दें, हमारा को तुम्हें अच्छी जगह पे अपॉइंट कराया, हमारा एक आगे से एक दो बंदा और अपॉइंट कराओ। सियासतदान अपने वोटों के लिए मुल्क को बेचते रहे खुदा की कसम,
अब हम क्या बातें करें फिर सियासतदान, कोई ये नहीं फैसला कर रहा कि यहाँ पे बंदे चाहिए कि नहीं चाहिए एयरलाइन में। एक एक जहाज के ऊपर 500 बंदा है पाकिस्तान में, कैसे चलेगा? और जब दिल करता है तो हम एयरलाइन को, जब दो एयरलाइन पिछले गिरी कुछ साल पहले तो PIA ने सदके देने शुरू कर दिए, बकरे जिबा करके जी हम सदका दे रहे हैं PIA जहाज, पूरी दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, मैं सदके की या इन चीज़ों को वो नहीं कह रहा, बट द पॉइंट इज कि ये जो चीज़ है इसको आप कैसे, मतलब कैसे आप इसको कहेंगे यार, कौन ऐसे करता है जो हम करते हैं? कोई करता है ऐसे? मैंने तो नहीं कभी किसी को देखा, मैंने नहीं कभी किसी को देखा कि कोई ऐसे करता हो। ठीक है जी, अल्लाह पाक ही है, कोई जिसे कहते हैं ना कोई वो करे, कोई ऐसे कुछ करे हमारे लिए कि हमें कोई थोड़ा सा भी फील आए। बहरहाल मैंने नहीं कभी देखा कि जो हम लोग अपने ही एयरलाइन के लिए कर रहे हैं, यार इंडिया की भी तो एयरलाइन है ना, मतलब इंडिया ने आई थिंक मुझे जो याद है टाटा ग्रुप को 2.4 बिलियन डॉलर की बेची थी। ठीक है जी, टाटा ग्रुप की जो है 1932 में बना था, गवर्नमेंट जिसे वो कहते हैं ना, टाटा ग्रुप ने बनाई थी, फिर गवर्नमेंट ने ले ली थी 1953 में, देन फिर गवर्नमेंट ने टाटा को दे दी। सो तकरीबन मेरे ख्याल इंडियंस की भी मैं पढ़ रहा था कि जो इंडियन एयरलाइन है वो भी कोई 9-9.5 अरब डॉलर के नुकसान में थी। ठीक है जी, और उन्होंने अच्छे टाइम पे बेच दी, हमने तब बेची है जब IMF को फुल प्रेशर आ गया, जब हम IMF के उसके फुल टाइम नीचे हैं, IMF के फुल टाइम नीचे लगे हुए हैं उसके, तब हमने बेची है ये। सो अदरवाइज तो हम शायद पता नहीं बेचते भी ना के बेचते, इसी तरह ही चलाते रखते हैं इसको। चलाना है इसको क्या है या इसमें है क्या है? बेसिकली मैं नहीं समझता इसमें कुछ चलाने की चीज है या कुछ करने की जरूरत है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना, मुझे जो लग रहा है, जो मैं इसको समझता हूँ, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, वो स्टेप्स जो अवाम के लिए बेहतर हो। हकूमत का कोई काम नहीं है, जैसे इंडियन फाइनेंस फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर कहती है ना कि मेरा हकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। ठीक है जी, सो ये एक क्वेश्चन जो है वो नज़र आते हैं मुझे कि हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे तैसे अवाम के हक में फैसले करें, ना कि अपनी मर्जी से अपने ही जो है ना वो फैसले करें। मुझे तो दैट्स व्हाट आई फाइंड। तो आप बताइए कि पिछले 78 इयर्स में अवाम के हक में कौन कौन से फैसले हुए? आपका आईन तो आपके अवाम के हक की वजह से बना नहीं, अवाम के हक के लिए बना नहीं, आपका आईन कई सारे फ्लॉज हैं उसमें, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। वो भुट्टो कहते थे ना कि आईन क्या है, कागजों का टुकड़ा है। भुट्टो कहते थे, कौन कहता था, या परवेज मुशर्रफ ने कहा था, जो भी जिसने भी कहा था। 5 साल एक सरकार तो चली नहीं आपकी, एक PM लगातार 5 साल नहीं रहा, और आप कहते हैं कि आवाम के हक के लिए। पाकिस्तान में कोई काम आवाम के हक के लिए नहीं होता। अगर आवाम के हक में एक भी काम हुआ होता ना, तो आज पाकिस्तान जिस हालत में है और वहां की आवाम जिस दौर से गुजर रही है, जिस मुश्किलों से गुजर रही है, वो नहीं होती। मानते कि नहीं मानते आप, वहां पर फैसले सिर्फ फौजियों के लिए होते हैं, नेताओं के लिए होते हैं, पावर एलीट के लिए होते हैं, दैट्स इट। अगर एक सड़क भी बनती है ना, तो वो पावर एलीट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, वो आम जनता को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। आई विश ये चीजें जो है ना वो हो। सो लेट्स सी इसमें क्या निकलेगा आइंदा आने वाले दिनों में, कैसे चीज़ें डेवलप होंगी। लेकिन अगर एयर इंडिया बिक सकती है तो हमें हमारे लिए लेसन नहीं। दरअसल ये ना कि हम इंडिया के वाले से कोई बात भी करें, लॉ जी बिस्ती होगी,
उन्होंने यहाँ किया था, हमारा वो काम है, हम वो ज़रूर करेंगे, क्यों करें हम, मतलब जो एक एक, एक, एक हमारे यहाँ यहाँ पे है तसव्वुर। क्वेश्चन ये है कि इंडिया को ना देखें, किसी और मुल्क को देख लें, इंडिया आपको के लिए वो है तो किसी और मुल्क को देख लें, क्या फ़र्क पड़ता है इस हवाले से। तो ये चीज़ जो है व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो यही है कि पाकिस्तान को ऐसे फैसले करने चाहिए दोज आर इन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, बिजनेस के वाले से बेहतर हो, ना कि वो फैसले करने चाहिए जिसमें हम ये कहें कि सियासतदान कहें कि हम और पी आई ए में बंदे भर्ती करें या और जगहों पे बंदे भर्ती करें। वाई जी, क्यों बंदी भर्ती करें जी हम, वाई, ठीक है जी। और ये मुमकिन नहीं हो सकता, और हमने बड़ा नुकसान ऑलरेडी किया हुआ है, सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है, और सियासतदानों को भी इस चीज़ से निकलना होगा कि अब अवाम की तादाद बढ़ चुकी है, इस मुल्क को चलाना मुश्किल हो गया, टैक्स कम लोग देते हैं, ये लोग जो टैक्स नहीं देते ये सब चोरी कर रहे हैं मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर, ठीक है, और टैक्स नहीं देते, बड़े पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं लेकिन हुकूमत के लोग खुद ही चोर होते हैं, वो लोगों को कहते हैं टैक्स ना दो, तो फिर पी आई ए ने बैठना ही है ना, आबादी पर कंट्रोल कोई नहीं है, 25,000 किस्म के और मसले हैं। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देर, लेट्स सी कि कोई एक लॉन्ग टर्म देर पा कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है कि मुल्क सही रास्ते पे आए, या इसी तरह हम एडहॉक चलते रहेंगे और इंसल्ट। एडहॉक क्या, अब तो पता नहीं कैसे चलेंगे आप लोग, बेहतरी तो नहीं आएगी, क्योंकि बेहतरी लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जो विजिबल हो। आप लोन पर लोन लिए जा रहे हैं और लोन लेने से बेहतरी नहीं आती है, कर्जा लेने से हालात बेहतर नहीं होते, हालात और ख़राब होते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए आपकी भूख ज़रूर शांत हो जाएगी, कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है तो आप कर्जे के पैसे से आप अच्छा खा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेकार है। और मैं तो कह रहा हूं पीएम आईएमएफ का बंदा बनेगा, जो आईएमएफ के हां में हां मिलाएगा वही बंदा पीएम बनेगा। आईएमएफ लिटरली डिक्टेट कर रहा है आप लोगों को। रही बात पीआईए की, तो एक तो हो गई स्टाफ वाली बात, वो बता तो रहे हैं कि 400-500 लोग एक प्लेन पर स्टाफ है, आप सोचो तो किस कदर सिफारिशी भर्तियां की गई हैं, किस कदर सरकारी खजाने को जो लोगों ने टैक्स दिया होगा उसी के पैसे को उन लोगों तक, उन लोगों को सैलरी दी गई जो काबिल नहीं उसके, जो काबिल नहीं उसके। और कई लोगों को तो पायलट तक बना दिया गया, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, फेक पायलट पाकिस्तान के दुनिया भर में फेमस हो गए, स्क्रीनशॉट्स हैं देखते चलो। कई देशों ने इन पायलट्स पर बैन लगा दिया, प्लेनों को उड़ाने पर बैन लगा दिया इन लोगों पर, इतना बड़ा स्कैम किया इन लोगों ने, सिफारिशी पायलट बनाए, आप सोचो फर्जी पायलट, आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर स्कैम होता है। और बेचारी आम जनता उसको क्या मतलब है, हवाई जहाज कौन उड़ा रहा, क्रैश हो गया जी, क्या करें, जब तक नहीं हो रहा तब तक पायलट उड़ा रहा है, पैसे घर को जा रहे हैं, मस्ती कर रहा है, वो उस चीज के काबिल नहीं है फिर भी कर रहा है। और हमें तो सुन के बड़ी हंसी आ रही है कि भाई पीआईए का खरीदार कोई नहीं है, और सबसे बड़ी तो हंसी आई है कि $305 कैबिनेट कहती है, सरकार कहती है 305 मिलियन डॉलर जो है वो मिनिमम बेसिक प्राइस है, और बंदा बिड लगाता है कि 30 मिलियन से ज्यादा हमने दे पाएंगे भैया, 10%, सोचो कितनी शर्मनाक बात है यार। पाकिस्तानियों डूब मरो यार, तुम लोग डूब मरो पाकिस्तानियों, विदेशी तो छोड़ो कोई देसी खरीदने को तैयार नहीं। और हमारा देखो, टाटा ने कहा कि अरे हमारी एयरलाइंस घर वापसी कराते हैं, हम खरीदेंगे, तो बताइए 6 बिलियन से ज्यादा में टाटा एयरलाइंस ने खरीद लिया, हमारे बंदे ने खरीदा, हमारे देश के बंदे ने खरीदा, हमारे देश में वो पैसा रहा। तीसरी बात, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में मतलब इतने फ्री की सेवाएं हैं, फौजी फ्री में जाता है, नेता फ्री में जाते हैं, अपने मतलब अपने प्राइवेट विमान की तरह उसको यूज किया जाता है, कि प्राइवेट जेट जो होता है ना उसकी तरह यूज करते हैं ये लोग, चार्टर प्लेन की तरह। और ये जो अगर कोई पीआईए का बंदा सुन रहा होगा, अगर आप देखते हैं वीडियो तो कमेंट करके बताइए क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। पीआईए का इस्तेमाल नेताओं और फौजियों ने
अपने पर्सनल चार्टर प्लेन की तरह, चार्टर प्लेन की तरह किया इस्तेमाल, और बाकी किस्से तो मशहूर हैं कि जानी थी फ्लाइट पेशावर, पहुंचा दी कराची, टोरंटो से आनी थी फ्लाइट पाकिस्तान और वो 6 घंटे पहले सबको छोड़ के उड़ के लेके चला आया। ऐसी ऐसी तो चीजें होती, हरकतें होती। तो 2 फूटी कौड़ी की भी पाकिस्तान एयरलाइंस नहीं, इंटरनेशनल एयरलाइंस। और आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, अच्छा हुआ। अब आप लोग का दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। उड़ना भी चाहिए, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहां पर वोट के लिए नौकरियां दी जाती हैं, चाचा का, ताऊ का, फूफे का, खाला का, तो यही होगा, झेलो फिर। दोस्तों आप बताएं, आप भी मजे लीजिए इस खबर के। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। इतनी शर्मिंदगी की बात है। वैसे मैं पाकिस्तान न्यूज चैनल देख रहा था, किसी एंकर ने मुझे को इस तरह की बात करा था। उन्होंने कहा कि ये जो 10 अरब पाकिस्तान का जो पाकिस्तान रुपये है ना, उसमें कीमत लगी है 10 अरब पाकिस्तान रुपये में, डॉलर में भी नहीं। पाकिस्तान रुपये के अंदर 10 अरब सिर्फ कीमत लगी है PIA के सारे पूरे सभी की। हाँ जी, तो ये अगर एक प्लेन की बात की जाए ना, ये तकरीबन बनता है कोई 4-5 बिलियन डॉलर्स का, डॉलर्स में। तो ये रुपये में कर रहे हैं, पाकिस्तान रुपये में घटा रहा है यार। जितने भी हैं लोग तो इतना बता रहे हैं, 305 मिलियन पाकिस्तान डिमांड कर रहा है। तो पाकिस्तान 305 मिलियन डॉलर आई थिंक डॉलर से, तो इतने कौन को देगा? क्या इतने जो गए इन्होंने छोड़ा PIA को, जाली डिग्रीज, जाली पायलट? ये तो केस, एक बयान ने ये PIA का सत्यानाश कर दिया। एक बयान ने, आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया था, आपने किसने दिया था, मिफ्ता इस्माइल ने दिया था, किसी बड़े शख्स ने बयान दिया था PIA के मुतालिक। उसने कहा था कि जो PIA जितने पायलट है ना, उनकी सब जाली डिग्रीज हैं। उस एक बयान ने पूरा धड़न तख्ता कर दिया था PIA। तो ये सच भी था? इतने सारे नहीं थे जिनके ज्यादा डिग्री थी, कुछ अच्छे भी थे जिनके सही नहीं थे। कह लें कि जो ज्यादा था, जो मैक्सिमम जो लोग थे ना, उनकी वाकई ज्यादा डिग्री थी, और जो बहुत कम थे जिनकी डिग्री जो है वो बिल्कुल सही थी। लेकिन ये था कि एक्सपीरियंस वाले थे वैसे ठीक थे, लेकिन डिग्री जो थी वो उनकी ज्यादा थी। मेन बात तो डिग्री की होती है ना, तो वो उनकी थी। और बाकी स्टाफ की बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उन्होंने अपने पास रखा हुआ, भर्ती किया हुआ था। तो मैंने वो लोग बता नहीं रहे थे, एक जहाज की मेंटेनेंस के लिए चलाने के लिए अमला जो था 304 लोग एक जहाज पर। सोचो कहाँ से बचत होनी है। और लोग सब ये बता रहे थे कोई पाकिस्तान का फार्मर ब्रिगेडियर मेजर यार, ये मुझे पहले आर्मी का बंदा था। और सभी हर तरीके से जो है ना, मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया हुआ पाकिस्तान को आर्मी ने। उस गंदे इदारे का नाम ही मतलब कुछ और बात, सिविल एविएशन इदारा है ये, सिविल का PIA, उसको आर्मी चला रही है। कौन वापडा खटारा हो चुका है, वापडा का चेयरमैन आर्मी का बंदा है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है। हमारे सिर्फ एक महकमा बचा था एजुकेशन का, उसमें आर्मी नहीं थी, उसमें आर्मी नहीं थी, आर्मी का रिटायर्ड कोई फौज नहीं था उनका चेयरमैन हो। अब हमारे जो PPSC का चेयरमैन है ना, वो भी आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, मेजर अब नाम हो गया जो भी है। एक हमारी जिस तरह आपके होते हैं ना UPSC, IAS, IPS, इस तरह के हमारे एग्जाम होते हैं PPSC, FPSC, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। उनके जितने भी सरबराह है सारे आर्मी के रिटायर ब्रिगेडियर मेजर है। PPSC का भी पहले नहीं था, अब हुए हैं रिसेंटली, 6 मंथ में सारे चेंज हुए हैं। 6 मंथ के अंदर अंदर हमारे FPSC, PPSC, एजुकेशन, हेल्थ, वापड़ा, PIA, जितने भी मतलब यार इस बात को छोड़ो, हर जगह पर है। अच्छा PIA की बात करें तो उसके अलावा इसलिए तुम्हारा मतलब दौड़ रहा ना, तो यार ये तो मैं और उस आर्मी के बंदे ने पैसे ले लेकर भर्ती कर रहे
सॉरी यार मौसम खराब था, वो खाता रहा है। वीडियो ना बनाने की वजह भी यही थी, मौसम तबीयत थोड़ी खराब रही है 3-4 दिन। आज आज कुछ थोड़ी समझ में मैं बताता हूँ मेरी बात सुनो। पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रही है, जो प्राइवेट जो लोग कर रहे हैं, जो लोग चला रहे हैं, उनमें से मुझे 3 का पता है, जिसमें फ्लाए जिना है, एयर सियाल है, एयर बिलू है, वो चल रही है, इनका मुझे पता है। और भी शायद होंगी जो पाकिस्तान के यानी कि लोग वैसे ऑनर करते हैं जो चलाते हैं, तो वो क्यों नहीं खसारे में जा रहे हैं? सोचो एयर ब्लू है खाकान बस की, शायद खाकान बस। हाँ जी अच्छा, तो अच्छा और भी ये तो वो क्यों जा रही है, कौमी एयरलाइन क्यों खसारे में जा रही है? वो तो चल रही है। और उसके अलावा यार सारी बात आती है क्या लगे ईमानदारी की, हमारी जिसके पास जितना जिसका हाथ पड़ता है वो उतना खींच लेता है। हमारी आर्मी हर जगह पर रोल कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें पता है, कुछ ऐसे दारे कुछ जगह जहाँ पर हमें पता ही नहीं है, लेकिन आज साथ हमें पता है चल रहा है। इंडिया को कितने भी पीआई ने स्वीकार कर दिया, एक चलो तुर्की पर बात करते करते फिर बात वैसे मैं नहीं करना चाहता था, बात फिर आगे इस्लाम पर। लोग सर तो कोई मौका जाने नहीं देते, ला का सारा मुद्दा ये फेंक देते हैं, लेकिन वो असल में ये कहते हैं कि अगर आप इस्लाम को फॉलो सही कर रहे हैं, आप इस्लाम में लगे तो फिर आप ठीक क्यों हो? और यार हम फेक क्या किस तरह कहते हैं, दोगले दोगले बिल्कुल, हम हाइब्रिड हैं, हम असल में खून हिंदुओं का पीछे से हमारी आज से 40-50 पुश्ते पीछे चले जाओ ना, हिंदू ही मिलेंगे। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम ज़ाहरी तौर पर जब ज़ाहर हुआ तो उस वक्त 572 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर शहादत होती है, उसके बाद 40 साल बाद ज़ाहरी तौर पर इस्लाम नाज़िल होता है। ठीक है, तो चेक कर रहे हैं उसके बाद ही फिर आता है 700 ईस्वी या 600 ईस्वी में आ जाता है अरब में भी, पहला मुसलमान जब होते हैं सहाबी आ चुके थे। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि हाइब्रिड है, असल प्योर जो मुस्लिम है वही है अरब वाले, क्योंकि पहले क्योंकि वो या तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्लाम पर थे, जो जितना भी अरब रीजन है ना जितना वो, तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि नाउज बिल्ला ताला अस्तगफुरुल्लाह के इस्लाम में कोई कमी नहीं, हम में कमी है, हम में वो गंद है, हम गंद बात है। इस्लाम जो है वो एक परफेक्ट एक मुकम्मल मजहब है, जिस तरह बिल्कुल जिस तरह बात उन्होंने की है कि हमें वो हिंदुओं का कह लें कि मतलब शुरू में बात रखो, तो मैं कह रहा हूँ कुछ हमारे अभी भी वो रस्म रवाज चले हैं जिसको मैंने गंद कहा है। इस्लाम तो एक सादा जिंदगी गुजारने का दर्द देता है, इंसानियत का दर्द देता है, अगर कोई सही मायने में इस्लाम को स्टडी करे तो उसकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाती है। तो आपको भी मौका कई जगह पर मिल जाता है इस्लाम को हिट करने का, तो हमारे हालात तो ठीक चल रहा है यार, हम फॉलो नहीं करते, ये बात सच है। अच्छा पीआई की बात तो वो मुझे उस वक्त है, तो देखें कि ये टाइम इंडियन एयरलाइन जो है ना एयर इंडिया उस पर भी आया था। अच्छा, क्या उन्होंने लीज पर इस तरह नहीं दिया था? दिया था उसमें, मुझे पता है इन्होंने इंडियन जो उनकी जो नेशनल एयरलाइन है उन पर भी ये टाइम आया था, जिस तरह आया जो पीआई पर आया हुआ, तो कोई इसमें कोई नई बात नहीं है भाई, उन पर भी आया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि मैंने ये न्यूज़ सुनी है कि जो नून लीग है ना वो इसको खरीद लेगी, जो नून लीग पार्टी जो मतलब जिनकी आज इस वक्त गवर्नमेंट है, मरियम नवाज उसको खरीद कर उसका नाम जो है ना एयर पंजाब रखने जा रही है। अब पता नहीं कितनी सच है झूठ है, मैंने इंटरनेट अपना जो मीडिया है ना हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, मैंने वहाँ से ये न्यूज़ सुनी है, तो उसको खरीद कर उसको मेंटेन करके जो है ना ये वो उसको चलाएंगे। चले खैर अफसोस की बात, पर इंडिया पर बेटा इंडिया को इतना खुश ना हो, तुर्की ने भी जवाब दे दिया, तुर्की भी नहीं खरीदना चाहता कोई, हमें गाह नहीं इंटरनेशनल तौर पर मिल रहा यार। ये वो पीआई है जिसने मुख्तलिफ कंट्री की एयरलाइंस को जो है ना शुरू किया, मुख्तलिफ मतलब के जो है जो कंट्री के पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी, लेकिन आज सारे में चली गई, तो उसकी रीजन सिर्फ यही है उसको जो चलाने वाले हैं वो बिल्कुल करप्ट हैं, ईमानदार नहीं, उसके साथ मुखलस नहीं है, इसी वजह से चले। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली यूके से कराची तक जो है ना तकरीबन कितने को तक मुझे घंटे याद नहीं, कंफर्म नहीं याद,
सॉरी, तो बाकी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली JPI यही है, एमिरेट्स को चला जो रन करने वाली यही है, दुबई में सबसे पहली जो एयरलाइन जो गई थी जिसने टेक ऑफ किया था वो यही थी, PIA थी जो। उसके अलावा चाइना में, चाइना को भी जो है ना, चाइना ने भी सबसे पहले PIA वहां पर उनके एयरपोर्ट्स पर उनके रन पे जो उतरी थी वो PIA थी। काफी ऐसी कंट्री हैं जिनको जो है ना PIA ने मतलब के जो है ना उनकी जो एयरलाइन से जो शुरू करवाई थी चलो ये। खैर मिलते हैं नई वीडियो बनाने के साथ।